गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो है 22 चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायरी लेखन। ओके, अब देखो डायरी लेखन क्या होता है, इसके जो है डायरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो डायरी लेखन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरी राइटिंग। ओके ठीक है, तो डायरी भी इंग्लिश शब्द ही है और इसको हिंदी में दैनंदिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दैनंदिनी। ओके ठीक है, तो जो है डायरी होती क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पेज नंबर 103 ओपन करो। देखो डायरी लेखन एक रचनात्मक गतिविधि है। डायरी लेखन क्या है? एक रचनात्मक गतिविधि है। रचनात्मक का मतलब होता है हमारा खुद का मनोरंजन हो और हमें अच्छा लगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं, रचनात्मक यानी लिखना। ओके, जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। लिखना ही होता है रचनात्मक, यानी मनोरंजन भी होता है और लिखना भी होता है, दोनों ही। ओके, जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अर्थात हमारे जीवन में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। हमारा जो जीवन होता है ना, उसमें हर रोज़ एक कोई ना कोई घटना जरूर घटित होती है। ओके, आप सभी जानते ही हो कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती रहती है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी हमें खुशी मिलती है तो हम किसी कारण से कभी उदास भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती है जो हमें याद रखनी होती हैं। तो इन्हीं घटनाओं को प्रतिदिन या समय समय पर लिखना डायरी लेखन कहलाता है। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके उनके साथ पूरे दिन में क्या हुआ वो डायरी में नोट करते जाएंगे, ताकि उनको बाद में वो चीज़ें सब, जब भी आप फ्री हो तब उस डायरी को पढ़ो कि मेरे जीवन में उस समय क्या क्या हुआ था, तो वो सारी घटनाएं वो लिखता जाता है। चाहे रोज़ लिखे या जब भी उसे समय मिले वो लिख सकता है, वो क्या कहलाता है? डायरी लेखन। डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मैंने पहले ही बोला कि डायरी राइटिंग यानी लिख शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है ये, और हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दैनंदिनी। ओके, डायरी लेखन के समय ध्यान देने योग्य विशेष बातें। जब आप डायरी लिखते हो ना, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो, डायरी लिखते समय सहज, रोचक, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज का प्रयोग, रोचक यानी अच्छा लगे पढ़ने में किसी को, और सरल होना चाहिए। ओके, और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब आगे से आगे भाषा बढ़ती जाए। घटनाओं के कर्म का ध्यान अवश्य रखें, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, वो कर्म जरूर ध्यान रखें। फिर थर्ड नंबर पे देखो, विराम चिन्हों का प्रयोग उचित ढंग से करें। विराम चिन्ह जो आप लगाते हो ना, कोमा वगैरह, वो अच्छे से करें कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ, ऐसा नहीं कि लिखते ही जाओ कहीं विराम चिन्ह लगाए ही नहीं, तो फिर वो पढ़ता ही जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, फोर्थ नंबर पे है डायरी लेखन में तिथि यानी दिनांक, डेट। ओके, समय व दिन को आरंभ में लिखिए। समय यानी किस समय, सुबह लिखा जा रहा है, रात को लिखा जा रहा है या दोपहर को लिखा जा रहा है, और दिन यानी कौन से वार को, मंडे को, ट्यूसडे को, भले सोमवार, मंगलवार, कब लिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हम लिखते हैं। तो ये चार बातों को हमें ध्यान रखना है। नीचे डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। दो डायरी दी हुई है आपकी बुक में, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट डायरी है, अब जो है इसमें क्या बताया गया है, इसमें स्कूल का फर्स्ट डे, स्कूल का पहला दिन, एक नया विद्यार्थी जब स्कूल में प्रवेश करता है तो उसका पहला दिन कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। वो खुद कह रहा है कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। स्कूल जो है ओपन कब होती है? 1 जुलाई को ही होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन अपने को 2016 नहीं 2021 के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। पुरानी बुक है इसलिए ईयर पुराना लिखा हुआ है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, जब हमने ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ी तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले दिनांक, डे और किस समय हुआ वो आएगा, टाइम आएगा। ओके, तो सबसे पहले डे क्या है, सोमवार, उस दिन क्या है, सोमवार, मंडे। फिर 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2021। ओके, फिर रात्रि 10 बजे, रात के कितने बजे है, 10 बजे। ऐसा नहीं है कि जिस समय हमारे साथ वो घटना हो रही उसी समय लिखो, आप पूरे दिन आपके साथ क्या हुआ वो आप रात में जब फ्री होते हो तब अपनी डायरी में उसको नोट कर दो, वही होता है डायरी राइटिंग। ओके, तो रात को कितने बजे लिखा उसने, 10 बजे। ओके, जो लिखने का समय है वो रात को 10 बजे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहती हूँ। आज विद्यालय में मेरा पहला दिन था, जो विद्यार्थी पहली बार स्कूल में गया उसका पहला दिन था, वहाँ पर कक्षा शिक्षिका ने मुझे अपने, कक्षा शिक्षिका ने क्या किया, मुझे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहा। कक्षा शिक्षिका मतलब क्लास टीचर, क्लास टीचर ने क्या कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है, तो कुछ बताने के लिए कहा। पहले तो मैं घबराया, आपको भी, आप नए नए गए हो किस स्कूल में और एकदम पहला दिन और आपको बोल दे कि अपने बारे में बताओ तो थोड़ा सा अपने को घबराहट सी होती है, वैसी ही घबराहट उसको भी हुई, परंतु कक्षा शिक्षिका ने बड़े प्यार से मुझे प्रोत्साहित किया, परंतु मेरी जो क्लास टीचर थी उसने बड़े प्यार से मेरे उत्साह को बढ़ाया, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाया, ठीक है। और फिर मैंने अपने विषय में निसंकोच होकर बताया, मतलब अपने बारे में बिना किसी संकोच यानी बिना किसी टेंशन के, टेंशन फ्री होके उसे बताया, किसी डर, बिना किसी डर के जो है मैंने उसको बताया, और कक्षा में सभी बच्चों का परिचय दिया, और सब कक्षा में सभी बच्चों का क्या दिया, परिचय दिया। फिर उसके बाद कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर ने मेरी प्रशंसा की, मतलब मेरी प्रशंसा की सबके सामने कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। और मध्य अवकाश, मध्य अवकाश का मतलब समझते हो, इंटरवेल। ओके, तो इंटरवेल के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो कक्षा के सभी बच्चों को मैं पहले से ही जानता हूँ, मतलब जब इंटरवेल हुई उसके बाद सब लोगों, सब बच्चों से मैं घुल मिल गया और मुझे ऐसा लगा कि सारे बच्चों को मैं पहले से ही जानता हूँ, और सबसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब सबसे मेरी इतनी अच्छे, सब मेरे अच्छे से फ्रेंड बन गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था, सबसे बेहतर दिन था। तो इसमें कोई अपने को साहित्यिक लैंग्वेज या लिटरेचर लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, जो आप जैसी जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हो उन्हीं सरल सी भाषा में इसका प्रयोग करना है। ओके, और जो आपके साथ हुआ उसी को नोट करते जाना है, आपको कैसा लगा, आपने आज क्या क्या किया, वो सब आपको डायरी में नोट करना होता है, तो वो होता है डायरी लेखन। अब देखो नेक्स्ट है आपके, एक और दी हुई है, इसमें बर्थडे का दिन यानी अपना जन्मदिन है और उस दिन उसने क्या क्या किया उसके बारे में जो है डायरी में लिखा है। देखो बुधवार का दिन है और डेट है 2 अक्टूबर 2016 ही लिखा हुआ है इसमें, और रात्रि 8:30 बजे, कितने, रात को 8:30 बजे वो लिख रहा है। ओके, आज मेरा जन्मदिन है, मतलब मेरा बर्थडे है, आज सुबह से ही मैं बहुत खुश हूँ। आपका भी जन्मदिन, आपका भी बर्थडे होता है तो आप भी खुश होते हो, आपको भी अच्छा लगता हो, 2-10 दिन पहले ही बोलने लग जाते हो मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं क्या करूँ, मैं कौन से कपड़े पहनूँगा, क्या मैं कैसे सेलिब्रेशन करूँगा, वो सब आप कर बोलते हो, ठीक है। तो आज मेरा जन्मदिन है, आज सुबह से ही मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, और मेरे माता पिता ने जन्मदिन के शुभ अवसर पर घर में पार्टी का आयोजन किया है, मतलब पार्टी रखी है घर में, किसने, उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने। मैंने नए कपड़े पहनकर केक काटा, हम भी काटते हैं, ठीक है, नए कपड़े पहने और फिर केक कटिंग किया, और अपने मित्रों के साथ खूब सारी मस्ती की, अपने फ्रेंड्स जो भी आए थे बर्थडे में उनके साथ खूब मस्ती
की और मैंने अपने माता पिता और बड़े भाई का आशीर्वाद भी लिया। अपन क्या करते हैं, अपना जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन अपन क्या करते हैं, सब जो बड़े होते हैं अपने से, अपने पेरेंट्स होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर भैया भाभी ने मेरे मनपसंद गिफ्ट दिए, मतलब मेरे जो बड़े भैया भाभी थे उन्होंने मेरा मनपसंद गिफ्ट भी दिया, मुझे जो पसंद था वो गिफ्ट मुझे दिया। आज का दिन मेरे लिए उत्साह भरा था, क्यों हर किसी का बर्थडे उसके लिए उत्साह से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है, क्यों, क्योंकि उस दिन उसका दिन होता है, सब उसके अनुसार होता है। आपका भी बर्थडे होता है तो आप भी क्या करते हो, अपने अनुसार आपको जैसा पसंद है वैसा पेरेंट्स करते हैं, आपके मनपसंद खाने के आइटम बनाते हैं, आपकी पसंदीदा कपड़े लाते हैं, आपको जो पसंद है वो गिफ्ट दिलाते हैं, तो उसको भी अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको डायरी लिखनी है, डायरी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, और डायरी लिखन बहुत ईजी है, बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, डे लिखना है, फिर डेट लिखनी है, उसके बाद टाइम लिखना है किस समय लिखा, उसके बाद जो आपके साथ आपके पेपर में पूछा गया वो आप लिख लो, ओके। और जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दैनंदिनी बोलते हैं, ओके। और डायरी लिखते समय कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आप डायरी लिखते हैं, यदि हाँ तो डायरी लिखते समय कैसा अनुभव होता है, वो आप अपने मन से लिख सकते हो। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं विस्तारपूर्वक, वो परिभाषा ही लिखनी है जो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ओके। तो कुछ डायरियों के विषय आपको नीचे दे रखे हैं, वो आपको लिखने हैं। देखो जैसे दीपावली की छुट्टियों में दादा दादी के घर जाने पर आप खुद लिखने की इसको कोशिश करना कि आप दीपावली का दिन था और दादा दादी के घर, आप अलग रह रहे हो और दादा दादी अलग रह रहे हैं तो उनके घर जाके आपने दिवाली मनाई तो आपने क्या क्या किया वो आपको लिखना है। तो बहुत ईजी है, आप कोशिश करना खुद लिखने की, नहीं तो मैं तो सेंड कर ही दूंगी, ओके। फिर दोस्तों के साथ घूमने जाने पर आप किसी दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, वहाँ आपने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या देखा, वो सब आपको नोट करना है शॉर्ट में, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे है विद्यालय जाते समय रास्ते में देखी दुर्घटना का वर्णन करना है, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो कोशिश करना कि आप ये तीनों डायरी लिख पाओ, फिर जो है मैं सेंड कर दूंगी तो आप समझ जाना कि क्या गलती आपने की है, परंतु खुद लिखने की कोशिश करोगे तो आप सीख जाओगे, ओके। अगर आपको डायरी लेखन में कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो और इसके जो क्वेश्चन आंसर डायरी सब मैं आपको सेंड कर दूंगी, परंतु जो इसमें दी हुई है उसको आप खुद लिखने की कोशिश करना ताकि आप सीख सको, ओके। थैंक यू।